All set. So hello everyone, welcome back to my channel. I hope you have subscribed to my channel. अगर अभी तक आपने मेरा channel subscribe नहीं करा है तो subscribe button पे click करें, bell icon को press करें to never miss any update. So today I'm really excited because अभी तक मैंने channel में अपने जो मैं 3 segments में videos डालता हूँ, अगर आप नए हैं और वैसे भी मेरा channel भी अभी नया ही है, सो मैं 3 सेगमेंट्स में वीडियो डालता हूँ. मैंने पहला ट्रैवल सोचा था, देन फिटनेस, देन उसके साथ फैशन. सो ट्रैवल का हो गया, फिटनेस का हो गया, पर फैशन सेगमेंट की ये मेरी सबसे पहली वीडियो है. सो यस, आई एम एक्साइटेड फॉर दिस वीडियो. सो अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला सवाल ये आता है, ये मैं भी खुद सोच रहा था कि मैंने सबसे पहला टॉपिक शूज़ ही क्यों चूज़ किया. ये टॉपिक जो मैंने शूज़ चूज़ किया है, दिस इज़ बिकॉज शूज़ को हमारी सोसाइटी में स्टेटस सिंबल की तरह काउंट किया जाता है. सो अगर आपको ऐसा नहीं पता या आपने ऐसा कभी नहीं सुना तो अब आपने सुन लिया, बिकॉज इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्चेज हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो कि यहाँ पर हैं सारे. अब इतने सारे रिसर्चेज और आर्टिकल्स के बाद यही पता चलता है कि शूज़ को साइकोलॉजिकली या एंशियंट टाइम से, ये अभी की बात नहीं है, बहुत पहले के टाइम से, रोमन पीरियड से, बिफोर क्राइस्ट, ये सब जो जितने भी एडीज वगैरह, आई एम नॉट दैट स्ट्रॉन्ग इन हिस्ट्री, तो उन सब टाइम से शूज़ को एज अ स्टेटस सिंबल लिया जाता है. हम सीधा बात करेंगे, मेरे पास जो बूट्स की कलेक्शन है उसके बारे में. ऐसी कोई बड़ी कलेक्शन नहीं है, 6-7 बूट्स हैं. सो हम बात करने वाले हैं उसके बारे में, एंड उसके साथ साथ हम बात करेंगे ऐसी ऐसी क्या क्या चीज़ें हमें बूट्स में देखनी चाहिए लेने से पहले, और ऐसे कौन सी ब्रांड्स हैं जो अफोर्डेबल बूट्स बना रही हैं अराउंड 4-5 हज़ार की रेंज में. और इसके साथ साथ ऐसे ऐसे पॉइंट्स मैं बताने वाला हूँ जिसमें हमें बूट सिलेक्शन से पहले जो कि ध्यान में रखने चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो जो मैं अपने सबसे पहला बूट दिखाने वाला हूँ, दैट इज़ माई ओल्डेस्ट बूट विच आई बॉट इन 2019, विच इज़ श्योर्ड लेदर. आई परचेज इट फ्रॉम ज़ारा. सो इसकी MRP वॉज 6,000 रुपीज़. सो दीज आर द बूट्स, दीज आई गॉट इन 2019. तो आप इसकी कंडीशन देखिए बूट्स की, दिस इज़ ऑल श्योर्ड लेदर कैमल. अब ये मैंने बहुत ज़्यादा पहना है, मैं इसको अभी तक पहन रहा हूँ. सो ये बूट्स भी बहुत बढ़िया हैं, ज़ारा से हैं, एंड अब ज़ारा के ये अपग्रेड हो गए हैं, बहुत डिफरेंट बूट्स आ गए हैं. तो मैं अलग अलग बूट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एंड थोड़े थोड़े फ़ोटोज़ भी आते रहेंगे साइड में कि अभी करंटली कौन सा कैमल लेदर का बूट है, ज़्यादा H&M पे या किस पे है. सो ये था मेरा पहला बूट जिसको बहुत ज़्यादा सिंपल, बहुत ज़्यादा प्लेन. मैं सारी चीज़ें फ़ैशन वीडियोज़ में आप यही नोटिस करोगे आगे भी जो वीडियोज़ आने वाली हैं कि मेरी चीज़ें आर गोइंग टू बी वेरी सिंपल एंड एलिगेंट. सो अब जो मेरे सेकंड बूट्स हैं, दोज आर माय फेवरेट बूट्स एंड ऑल टाइम फेवरेट. जब भी मैं इधर पार्टीज़ वगैरह में जाता हूँ तो उसको मेजरली पहनता हूँ, एंड दोज आर H&M के ब्लैक चेल्सी बूट्स. आई विल शो यू द बूट्स. सो दीज आर द बूट्स एंड दे आर रियली ब्यूटिफुल. आई रियली लव वियरिंग देम. अभी थोड़े से गंदे हैं, मुझे साफ़ करने का थोड़ा टाइम नहीं मिला था. So these are from H&M, and these were around 5,000 rupees. So ये वाले boots भी बहुत अच्छे हैं. अब इसके साथ बात आती है leather boots की. So leather में मेरे पास दो boots हैं, एक ऐसे formal occasions पे जिसको मैं formals के साथ पहनता हूँ. एक मेरे पास ज़ारा से भी थे leather boots, but वो मेरे घर पे हैं अभी. So यहाँ पर मेरे एक पास एक और alternative boots हैं. So I'll show you the boots. सो ये बूट्स भी मैंने कैजुअली बहुत ज़्यादा पहने हैं. अब इसमें थोड़े ज़्यादा लेदर है बिकॉज, तो लेदर पे क्रीजेज आ जाते हैं. सो दीज आर फ्रॉम रेड टेप, एंड इसका प्राइस वॉज अराउंड 2,000. सो आई वुड सजेस्ट कि आप इस वाले बूट्स को ज़रूर ले सकते हो, एंड दीज आर रियली गुड. आप फॉर्मल्स के साथ जब इन बूट्स को पहनोगे, सो मेरे से ही काफ़ी लोगों ने अभी तक पूछा है इन वाले बूट्स के लिए भी, एंड कि ये वाले बूट्स आपने कहाँ से लिए. तो ऑब्वियसली अगर कोई आपके पास आके पूछ रहा है कि आपने कहाँ से लिए, तो अच्छे लग रहे हैं. मेरे से काफ़ी लोगों ने पूछा है इन बूट्स के बारे में, एंड दीज आर वेरी कॉस्ट एफिशिएंट, जस्ट 2,000 रुपीज़ एंड यू आर गेटिंग दीज बूट्स. सो इसके नेक्स्ट मैं अपने दूसरे लेदर बूट्स दिखाता हूँ जो कि हैं H&M से, एंड ये थोड़े चंकी बूट्स हैं. अब जैसे आपकी हाइट भी बहुत छोटी है अगर इनके से, वैसे तो मेरी 6 feet से हाइट, स्टिल मुझे थोड़ी और अच्छी लगती है, जितनी ज़्यादा हो उतनी ज़्यादा अच्छी लगती है. सो बूट्स में ये चीज़ सबसे ज़्यादा होती है कि आपकी हाइट एक तो बिल्कुल बढ़ जाती है. सो एक चंकी बूट्स मैं आपको दिखाता हूँ विच इज़ फ्रॉम H&M, एंड इसकी कॉस्टिंग वॉज अराउंड आई गेस 6,000. सो दीज आर द चंकी बूट्स फ्रॉम H&M, एंड दीज आर ऑल्सो, आप मेरे सारे बूट्स पर ये चीज़ नोटिस करोगे, बिल्कुल सिंपल है,
कुछ नहीं है अलग से. अब इसकी जो हील है आई गेस दिस इज़ अराउंड 3 inches. सो या सो इससे मेरी हाइट अराउंड 2.5-3 inch बढ़ जाती है. मैं 6'3" का हो जाता हूँ, विच इज़ ओह गॉड दैट इज़ गुड. सो ये है मेरे ऑल टाइम फेवरेट H&M के बूट्स. दो बूट्स तो सारे ही मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट्स हैं. सो अब इसके बाद मैंने एक बीच में बूट्स लिए थे जो मैं थोड़े से कम पहनता हूँ, बट वो थोड़े एक्सपेंसिव एंड पे थे. देवर फॉर अराउंड 8,000 rupees. सो ये बूट्स श्योर्ड लेदर हैं, ये हैं ब्राउन शेड में और ब्राउन से भी थोड़ा सा डिफरेंट है. सो अब देखो ये वाले बूट्स, दे आर सो वेरी सिंपल, बिल्कुल एकदम सिंपल हैं ये वाले शूज़ भी. एंड इसको मुझे ब्लू के साथ जाता है, ब्लैक के साथ जाता है, और डार्क ब्लू हो, लाइट ब्लू हो, हर एक शेड के साथ ये वाले बूट्स भी जाते हैं. अब इसके अलावा एक और मेरे पास बूट्स हैं विच आर लेदर बूट्स और जो कि ब्राउन में हैं. अभी करंटली मेरे पास यहाँ पर नहीं है, मेरे घर पे हैं वो वाले भी, तो उसकी फ़ोटो इज़ राइट हियर. ये ज़ारा का बूट है. सो दिस इज़ ऑल्सो रियली ब्यूटिफुल. अब जैसे मेरा ब्लैक वाला चंकी है H&M से, ऐसे ही ये ज़ारा वाला है. अभी आपको मैंने एक एग्जाम्पल्स दिखा है कैसे कैसे बूट्स होने चाहिए, कैसे बूट्स आप परचेस कर सकते हो. अब कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करते हैं कि बूट्स में हमें ध्यान क्या रखना चाहिए कुछ चीज़ों का. सबसे पहले अगर स्यूड लेदर आप ले रहे हो तो वो स्यूड लेदर ऐसे शूज़ नहीं हैं कि आप उन्हें हर टाइम या हर दिन पहन सको, क्योंकि ये स्यूड लेदर का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि डस्ट में हर चीज़ में ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं. उसके बाद लेदर बूट्स ऐसे होते हैं जो आप हर रोज़ पहन सकते हो और टफ से टफ कंडीशन. मैंने उन वाले ब्लैक वाले चंकीज़ को पहन के ट्रैक भी करे हैं, ट्रैक एज इन कि मुझे ऐसा पता नहीं था. मैं एक बार एलिफेंटा केव्स गया था, मुंबई में था मैं. सो उसका लिंक इज़ हेयर. उसका लिंक किधर आता है, वेर एवर आई गेस यहाँ पर उसका लिंक इज़ हेयर. सो वो वीडियो ज़रूर देखना जाके. सो उसमें मैंने वही बूट्स पहने हुए थे क्योंकि मुझे पता नहीं था वहाँ थोड़ी सी ट्रैक होगी. सो देवर परफेक्ट देयर, मुझे लगा था कुछ प्रॉब्लम ना हो बूट्स में, बट इस प्राइस रेंज के हिसाब से उनको भी 1 साल हो गया. ये सारे बूट्स इसमें से कोई भी नया नहीं है, सबको 1-1 साल से ऊपर तो हो ही चुका है. नाउ ये पहली चीज़ें हो गई विच इज़ अबाउट केयर, कि सूट अगर आप ले रहे हो उसकी ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी, हर टाइम नहीं पहन सकते. या लेदर ले रहे हो तो ऑब्वियसली वो आप कभी भी कैसे भी पहन सकते हो, प्रोवाइडेड कि आप उसकी भी सही से केयर कर रहे हो. सो इसके बाद अगली जो चीज़ है, हमें एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, बूट्स में कभी भी कुछ भी ओवरडू नहीं होना चाहिए. जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है ये. अब ये वाला जो बूट है ये है लेदर का, विच इज़ नॉर्मल फॉर्मल बूट, बट इसमें जो ऐसे चीज़ें दे दी अलग अलग, कैमल प्रिंट्स दे दिए, ऐसा दे दिया वैसा दे दिया. सो यूजुअली आप इसको नॉर्मल एक रूम में फॉर्मल्स पहन के इसको एंटर करते हुए देखोगे, सो इट वोंट लुक दैट गुड. आपका सीधा फोकस शूज़ पे जाएगा, थोड़ा सा एक से आउट हो सकता है कि अरे क्या पहन लिया. सो सिंपल प्लेन एंड एलिगेंट एकदम, उससे बहुत अच्छा लुक आता है हर एक चीज़ का. आप देखोगे इंस्टाग्राम पे बहुत लोग पहनते हैं, बहुत लोग अलग अलग चीज़ें करते हैं, बहुत कॉन्फिडेंटली पहनते हैं, बट वो अगर आपके सामने से आके निकलेंगे ना तो वो रणवीर सिंह वाली बात हो जाएगी. अब रणवीर सिंह फैंस, मैं वैसे गलत नहीं बोल रहा, बट अगर रणवीर सिंह का कोई नियॉन कलर का या ऑरेंज कलर का सूट पहन के आपके सामने एक पार्टी में खड़ा होगा तो कैसा लगेगा. सो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो फ़ोटोज़ में अच्छी लगती है और मूवीज़ में अच्छी लगती हैं, तो ये चीज़ का हमेशा याद रखना, जो कि हो गया सेकंड पॉइंट, कि बूट्स में हमेशा एकदम एलिगेंट लेना और उसमें कहीं भी ऐसे ओवरडू या ओवर कुछ भी चीज़ नहीं होनी चाहिए. अब आता है थर्ड पॉइंट, और थर्ड पॉइंट में अभी खुद सोच रहा हूँ, मेरे दिमाग से निकल गया कि और भी कोई पॉइंट था क्या. हाँ, सो थर्ड पॉइंट ये है कि आप जब भी बूट्स को रखते हो शेल्फ में, सो शेल्फ में रखते हुए इसमें एक अंदर बूट का स्टैंड टाइप में ख़रीद सकते हो. या मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि आप जब भी कोई बूट परचेज करोगे तो बूट के साथ ये अंदर एक ऐसी चीज़ आती है. दिस आई डोंट एग्जैक्टली नो द नेम कि इसको क्या बोलते हैं, इसे शू सपोर्टर बोलते हैं आई गेस, जो कि शू की जो यहाँ की शेप है इसको बिल्कुल प्रॉपर रखता है. तो आप इसको बिल्कुल अच्छे से हमेशा टाइट से लगा के शेल्फ में ऐसे का ऐसे ही रखें. सो तो यही सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि कौन से बूट्स लेने हैं, लेदर लेने हैं या चेल्सी लेने हैं, किस टाइप के लेने हैं, ओवरडू नहीं करना है, ऐसे डबल स्ट्रैप्स वाले अलग अलग तरीके के बूट्स नहीं लेने, अवॉइड करने हैं, बिकॉज़ वो कभी कभी
एक बार किसी फोटो में अच्छे लग गए तो हमने सोचा अरे यार ये बूट्स तो बहुत अच्छे हैं, डबल मॉन्क वाले, ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें आती हैं. सो लेट्स कीप इट जस्ट सिंपल. सो आई होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी. मेरे बूट्स जो कि ज़्यादा नहीं थे, जिसमें से दो अभी यहाँ पर थे भी नहीं, बट स्टिल आपको मैं हेल्प कर पाया हूँ किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन देने में. सो आपको सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. और भी मैं अगर इनके एग्जैक्ट सेम लिंक्स नहीं दे पाऊँगा तो मैं और अलग अलग बूट्स की कलेक्शन के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. सो दैट वॉज ऑल फॉर द वीडियो टुडे. आई होप यू लाइक द वीडियो. इफ़ यू लाइक द वीडियो डू हिट द लाइक बटन और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें. ऑल्सो इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माई चैनल डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. आपको वहाँ अलग अलग पिक्चर्स मिलेंगी मेरी जिसमें मैं अलग अलग चीज़ें पहनता हूँ, तो उन सबसे भी आप कुछ आइडियाज़ ले सकते हैं. सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.